बरेली में 3 दिवसीय उर्से रजवी के मौके पर उलमा ने मुसलमानों के हितों को लेकर खास मुस्लिम एजेंडा जारी किया है। दरगाह आला हजरत स्थित इस्लामिक रिसर्च सेंटर में बुधवार को देश भर के सामाजिक धार्मिक बुद्धिजीवियों की मीटिंग हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न राज्यों से आए उलमा ने मुसलमानों के मसाइल के साथ सियासी हालात और पार्टियों को लेकर लंबी चर्चा की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुस्लिम एजेंडा जारी किया गया। एजेंडे में कहा गया है कि मुसलमान शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें, समाज में फैल रही बुराइयों की रोकथाम करें, वरना इसके भविष्य में नुकसान उठाने पड़ेंगे। देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, मगर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जुल्म और नाइंसाफी को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार और राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा। मुसलमानों के प्रति आचरण में बदलाव लाना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जल्दी देश में हिंदू मुस्लिम जोड़ो मुहिम चलाकर नफरत फैलाने वालों को जवाब देगी। मुसलमानों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने, सरकारों में मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाने और अयोध्या को छोड़कर कानून के हिसाब से बाकी धर्मस्थलों की यथा स्थिति कायम रखने जैसी बातों को मुस्लिम एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया गया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 104वां उर्स है और आज उर्स का पहला दिन है। देश भर से आए हुए उलमाए कराम दानिश्वर की मीटिंग हुई और इसमें एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया गया और इस मुस्लिम एजेंडे में मुस्लिम कौम के लिए हिदायतें दी गई हैं और मरकज़ी हुकूमत और राज्य की हुकूमतों को भी हिदायतें दी गई हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी वार्निंग दी गई है। इस मुस्लिम एजेंडे में उलमाए कराम ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तहत मीटिंग हुई थी उसमें तय किया कि मुसलमान अच्छे काम करें, बुराइयों से दूर रहें और सोशल मीडिया जो आजकल है नेगेटिव और मनफी जो चीज़ें फैलाता है इससे दूर रहें। और उलमाए कराम ने मुस्लिम कौम से ये भी कहा है कि कानून को अपने हाथ में न लें, जहां भी कहीं एहतजाजी बात हो, अगर कहीं तकलीफ़ देने पहुंचाने वाली बात हो, अगर कहीं किसी को तकलीफ़ किसी वजह से पहुँच रही हो या कोई पहुँचा रहा हो, व्यक्ति हो या संगठन हो या हुकूमत हो, तो उसकी शिकायत हुकूमत के आला अधिकारियों से करें, हुकूमत के जिम्मेदारान से करें, कानून को अपने हाथ में न लें और ख़ुद फैसला न करें।